सोलन जिला के धरजा गांव में खुले ठेके का महिला लगातार विरोध कर रही हैं। ये ठेका कई बार सुर्खियों में रह चुका है और हैरानी की बात है कि खुलने के बाद कई बार बंद भी हो चुका है, जिसके बावजूद एक बार फिर से ठेका खुल गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि ठेका संचालकों को संरक्षण दे रहे हैं, जिनकी शह पर ठेका बार बार खोला जा रहा है। महिलाओं ने ठेके के विरोध को लेकर एडीएम सोलन विवेक चंदेल को ज्ञापन सौंपा और ठेके को बंद करने की मांग की। एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले की जांच की जाएगी और अगर ठेका नियमों को ताक पर रखकर खोला गया है तो उसे जल्द बंद करवाया जाएगा। वहीं महिला मंडल की पूर्व प्रधान शकुंतला राणा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिस जगह शराब के ठेके को खोला गया है वे दो स्कूल और एक वेटनरी फार्मेसी का शिक्षा संस्थान है। उन्होंने बताया कि जहां ठेका खोला गया है वहां पानी का स्त्रोत्र है, जहां से लोग पानी लेने आते हैं। अगर ये ठेका वहां रहता है तो जहां एक ओर गलत प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि ये ठेका दो बार बंद हो चुका है लेकिन बावजूद इसके तीसरी बार खोला गया है, जो सरासर गलत है। अगर ये ठेका यहीं रहता है तो गांव की महिलाएं इस काम का जमकर विरोध करेंगी। हमारे ग्राम धरजा में बार बार विरोध करने के बावजूद भी ये ठेका जो है बार बार खोला जा रहा है। इस ठेके को हमने पहले भी दो बार बंद करवा दिया है लेकिन आज फिर ये ठेका दोबारा से खोल दिया गया है। आज हम सभी महिला मंडल की प्रधान, वार्ड सदस्य, नेक्स्ट प्रधान, सब हम यहाँ पे आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। ये जो ठेका खोला जा रहा है गांव के बीच में खोला जा रहा है और यहाँ पर जो है स्कूल भी है, गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और वेटनरी है और पानी का चश्मा भी है, जहाँ पे सारी महिलाएं आती है और पानी भरती है। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, शराबी लोग जो है वहाँ पे बैठते हैं और महिलाओं को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस ठेके को जल्दी से जल्दी बंद करवाया जाए।